नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। सेनापति अपने लड़ाकों को दो ही वजह से शहीद कराता है, या तो उसे उनकी जरूरत नहीं रही है या फिर वह उन्हें मरवाकर सामने वाले का ध्यान बटाना चाहता है। पाकिस्तान भी इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के रंग में रंगा मुल्ला हो गया है। वह अपने ही पाले आतंकियों से अपने जवानों को मरवाकर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश में है। अफगान सरकार के खिलाफ लड़ रहे तालिबान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी एक हिस्सा है। पाकिस्तान द्वारा तालिबान को मोरल सपोर्ट के साथ सैन्य मदद और हथियार गोला बारूद मुहैया कराया जा रहा है। अब पाकिस्तान अपने ही आतंकियों से अपनी सेना पर हमला करवाकर खुद को पाक साफ दिखाना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान में हर रोज मारे जा रहे पाकिस्तानी नागरिकों और पाक सेना के जवानों की मौजूदगी ने उसका खेल पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की चाले चल रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में हमले की जो टाइमिंग तय की है, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी इस हमले में 11 पाक जवानों के हुरों की खोज में भागने और 3 मुसलमान आतंकियों के मारे जाने की घटना एक प्री प्लान ड्रामा है, परंतु इससे पाकिस्तान को दुनिया के किसी देश से निंदा संदेश नहीं मिल सका। उल्टा कई लोग इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान जाहिलों का महाधूर्त देश है। पाकिस्तान ने खुद को घिरते हुए देखा तो आज तड़के एक बस पर हमले का ड्रामा रच दिया। यह हमला भी उसी खैबर पख्तूनख्वा में हुआ जहां कल ही पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे। बस पर हुए इस हमले में 9 चीनी इंजीनियर माऊघाट की तरफ उड़ान भर गए, जबकि 39 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान अपने 11 सैनिक गंवाने के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा की ओर पैर फैलाकर सोया हुआ था। एक दिन पहले ही राज्य में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, मगर पाक की रैपिड आर्मी और राज्य प्रशासन तस्रीप उठाऊ गिराव अभियान चला रहे थे। पर लगता यूं है कि चीन ने पाकिस्तान की चालबाजी पकड़ ली है। चीन को महसूस हो रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपनी भूमिका से ध्यान हटाने के लिए खुद पर हमले का ड्रामे कर रहा है। कल पाक सैनिकों पर हुए हमले में पाकिस्तान पर किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया था, मगर 9 चीनी इंजीनियरों की मौत के बाद पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान पर आ गया है। अब पाकिस्तान यह प्रदर्शित करेगा कि वह तालिबान को कोई मदद नहीं दे रहा है, बल्कि तालिबान का गुट जो पाकिस्तान से संचालित होता है यानी TTP खुद उस पर हमला कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान ऐसे ही हमलों की पटकथा दुनिया के सामने पेश करे, पर चीनी नागरिकों वाली बस पर हमला करवाकर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपनी गर्दन फंसा ली है। इस हमले में पाकिस्तान ने अपने 3 सुरक्षाकर्मी भी मरवाए हैं, मगर चीनी नागरिकों के बड़ी संख्या में मारे जाने से चीन भड़क गया है। चीन ने इमरान सरकार को सख्त लहजे में कहा है कि इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच की जाए और हमले के दोषियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। चीन के इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मायना यही निकाला जा रहा है कि चीन को भी यह घटना कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही है। मजे की बात यह है कि जब पाक सरकार को यह जानकारी मिली कि बस में मरने वाले लोगों में चीनी नागरिक शामिल है, तो उसने हादसा बताकर घटना को छिपाने का प्रयास किया था, लेकिन चीनी दूतावास ने पाकिस्तान के इस ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया। खुद चीनी दूतावास ने पुष्टि कर दी कि यह एक बम हमला था। सवाल यह भी उठे कि कल अपने 11 सैनिकों को जहन्नुम भिजवाने के बाद जब पाकिस्तान अपनी मीडिया में ढिंढोरा पीट रहा था, तब उसने विदेशी नागरिकों पर हुए हमले को छिपाने की कोशिश क्यों की? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने भूलवश चीनी श्रमिकों को ठोक दिया है? खास बात यह है कि पाकिस्तान दावा करता रहा है कि चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए उसने बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, पर बावजूद इसके वह हमला होने की वजह नहीं बता रहा है। इस हमले से गुस्से में भरे चीन ने खुद भी घटना की जांच के लिए एक दल पाकिस्तान भेजने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि देर सवेर पाकिस्तान की मुल्ला पॉलिसी का सच बाहर आ जाएगा। पर फिलहाल तो मदरसा पैदाइश के नेता इस घटना से पीछा छुड़ाने के लिए कोहिस्तान में सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में रवाना करने में लगे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।